नमस्कार दोस्तों दोस्तों अपना कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो आपके कैरियर और फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों YouTube को आजकल फेक गुरुओं ने खेल बना दिया है और मुझे आइडिया है कि आप में से जितने भी लोग इनकी वीडियो देखते होंगे आप में से 0% लोग यूट्यूबर बने होंगे। ऐसा क्या कारण है कि इनके द्वारा आपको इतना ज्ञान देने के बावजूद आप यूट्यूबर नहीं बन पा रहे हो? वैसे तो इनके सैकड़ों कारण है लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इसके मेन रीजन बता देता हूँ और मैं विद प्रूफ आपको ये बताऊंगा कैसे YouTube गुरु आपको अपने ट्रैक में फंसा रहे हैं और आप अपना टाइम और कैरियर तो खत्म कर ही रहे हो, साथ ही आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हो। तो दोस्तों चाहो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मत करना लेकिन प्लीज इस 5 मिनट की वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखना। रीजन नंबर 1, कॉपी पेस्ट करके यूट्यूबर बनो और लाखों कमाओ। दोस्तों जितने भी यूट्यूब पर फेक गुरु हैं उनके चैनल पर ये वीडियो जरूर मिलेगी कि किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल लो या किसी के इंस्टाग्राम या फेसबुक कंटेंट से वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पर पेस्ट कर दो और आप एक अच्छे यूट्यूबर और लाखों रुपए महीने के कमाओगे। गूगल से कॉपी करो और यूट्यूब पे पेस्ट करो तो मिस्टर बीस्ट की वीडियोस को भी अपने चैनल पे कॉपी पेस्ट करके लाखों रुपए महीने तक की अर्निंग कर सकते हो। कैसे? आप किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पे अगर अपलोड करते हो तो आप वो काम करके 2 से 3 लाख रुपए महीने में कमा सकते हो। दोस्तों इन सब से क्या होगा शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा इस चीज का। चलो मान लेते हैं कि किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो डालने से आपके अच्छे खासे व्यू आने शुरू हो गए और किसी तरह से आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैरियर नहीं बन सकता क्योंकि ना तो आपकी कोई पहचान बनेगी और ना ही आप इन सब में फेमस हो पाओगे, बल्कि जिस क्रिएटर की आप वीडियो डाल रहे हो आप उन्हें ही फेमस कर रहे होंगे। और यूट्यूब की पॉलिसी कभी एक जैसी नहीं रहती है, आप देख ही रहे हो किसी बड़े क्रिएटर की एक वीडियो से हजारों लाखों वीडियो और शॉर्ट अलग अलग चैनलों से लोग अपलोड कर रहे हैं जिसकी वजह से यूट्यूब पर 90% फेक कंटेंट आ रहा है और YouTube अपने प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसलिए YouTube की जल्दी कोई ऐसी पॉलिसी आने वाली है या तो वो सभी कॉपीराइट चैनल डिमोनिटाइज होंगे या फिर परमानेंट डिलीट भी हो सकते हैं। दोस्तों मैं Google से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए आपको बता दूँ YouTube इस तरह की किसी पॉलिसी पर काम भी कर रहा है और वो एक पॉलिसी आपके पूरे कैरियर को केवल एक दिन में खत्म कर देगी और साथ ही आपने जितनी मेहनत करके अर्निंग की थी वो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि अगर आपका चैनल ही बैन हो जाता है, डिमोनिटाइज होता है तो आपके कितने भी डॉलर यूट्यूब में पड़े हो सब जीरो हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अपना खुद का कंटेंट बनाओ और ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना आपको लगता है। मैं अपने कोर्स में आपको सैकड़ों ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिन पर अभी तक कोई यूट्यूब चैनल नहीं बना है। तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, अपनी वीडियो को मल्टी टैब में चलाकर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर गेन करना। दोस्तों कुछ यूट्यूबर, खैर आपको पता भी होगा आप देखते हो वीडियो, ये बोलते हैं ना कि अपनी वीडियो को मल्टी फॉर्मेट में चला दो किसी टैब पर या अलग अलग यूट्यूब चैनल से अपने अलग अलग फोनों से यूट्यूब को चला दो आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। इस ट्रिक से आप 8000 घंटा कंप्लीट कर सकते हो वो भी 2-4 दिनों के अंदर। आप 100 जगह अपने वीडियोस को चला सकते हो, प्ले कर सकते हो और सिर्फ 2 घंटे के भीतर अपना 4000 हाउस का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों इस तरह की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अपनी एक वीडियो को बार बार चलाने से आपका वॉच टाइम थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन जैसे YouTube के AI सिस्टम की नजर उस पर पड़ती है आपका वॉच टाइम वहीं पर आ जाता है जहां से आपने शुरू किया था। दोस्तों आप एक वीडियो को अगर किसी सिंगल विंडो में 100 बार भी चलाते हो तो उस वीडियो का केवल 1 व्यू ही काउंट होगा, ज्यादा ज्यादा 2 व्यू काउंट हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों को ये पता भी चल गया होगा अभी तक जिसने ट्राई की होगी ये टेक्निक, और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ट्राई भी करके देख सकते हैं। हाँ लेकिन 1-2 ऐसी ऐप जरूर है जिनमें आप अपना वॉच टाइम जेन्युइनली कंप्लीट कर सकते हो जिनके बारे में मैं आपको अपने कोर्स में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये मत सोचना 2 घंटे या 2 दिन में आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, उसमें भी आपको 1 से 3 महीने का समय लग सकता है। रीजन नंबर 3, किसी दूसरे के टॉपिक पर अपने यूट्यूब चैनल बनाने को कहना। दोस्तों इसमें मैं आपको 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला, दोस्तों इनकी वीडियो को हजारों लाखों लोग देखते हैं तो मान लो इन्होंने अपनी वीडियो में कोई कहानी का चैनल बनाने के लिए सजेस्ट किया और उस वीडियो को 1 लाख ऑडियंस ने देखा तो उनमें से कम 10,000 लोगों ने भी चैनल बना लिया, तो जिस टॉपिक पर पहले से बहुत सारे चैनल रनिंग में है 10,000 चैनल और बन जाएंगे तो आप सोच सकते हो उसमें आपका कैरियर क्या होगा। दूसरा,
अगर आप दूसरों को कॉपी करके चैनल बनाओगे तो आपकी क्या वैल्यू और क्या पहचान रह जाएगी। दोस्तों यूट्यूब पर ना तो नए टॉपिक की कोई कमी है और ना ऑडियंस की। हमारे देश की यूट्यूब ऑडियंस से प्रभावित होकर दूसरे देशों के यूट्यूबर हिंदी में अपनी वीडियो बना रही है। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा ऑडियंस हमारे देश में है। हमारे देश में इतने व्यूवर है, आप कितनी भी वीडियो डाल लो कम ही रहेंगी। तो दोस्तों अपने कोर्स में मैं आपको चैनल के लिए इतने टॉपिक्स बता दूंगा, आपको किसी दूसरे क्रिएटर को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इन फेक गुरुओं के चक्कर में अपना टाइम और कैरियर वेस्ट मत करो। दोस्तों यूट्यूबर बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अलग अलग यूट्यूबर के अलग अलग मिथ सुनकर आप किसी एक पॉइंट पर फिक्स नहीं रह पाते और इस ट्रैप में उलझते चले जा रहे हो। इसलिए दोस्तों मेरा ये सिंगल यूट्यूब मास्टर कोर्स ध्यान से समझना और मैं आपको गारंटी देता हूँ आप में से 100% लोग यूट्यूबर बन सकते हैं। दोस्तों इस तरह के कोर्स को कुछ यूट्यूबर अपने कैरियर को सिक्योर करने का नाम पर हजारों में बेच रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल पर आपके लिए पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दोस्तों जहां आपने यूट्यूबर बनने के लिए अब तक इतनी वीडियोस देखी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हर हफ्ते मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम और देकर देख सकते हैं। अगर आपको एक यूनिक चैनल आइडिया ना मिले तो भले ही आप मेरे चैनल को डिसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। इस वीडियो में आपकी क्या राय है और अगर आप यूट्यूबर मास्टर कोर्स देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।